अपने फिटनेस गोल को अचीव करना तो सब लोग चाहते हैं, मगर उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। तो लोग अक्सर क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से वो अपने फिटनेस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, और आप क्या क्या करोगे जिससे कि आप एक सही वे में आपके फिटनेस गोल को अचीव करोगे, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हाय एवरीवन, मैं हूँ भवानी, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस फिटनेस पर चर्चा की पहली एपिसोड पे। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपका डाइट एंड फिटनेस रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए पहले बात करते हैं आप अपनी गोल को कैसे सेट करोगे जिससे कि उसे इजीली अचीव कर पाओगे। तो आपको हमेशा अपने लिए एक रियलिस्टिक वे में गोल सेट करना है जो कि अचीवेबल हो, नहीं तो अगर आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो जैसे कि एक वीक में ही मुझे 10 kg ड्रॉप करना है, उसमें आप तो अपने गोल पहले अचीव नहीं कर पाओगे, दूसरी बात आपको डिजायर रिजल्ट ना मिलने के कारण आप डिप्रेशन में भी चले जाओगे। तो इसीलिए हमेशा अपने गोल को एक रियलिस्टिक वे में पहले सेट करना होगा आपको। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक स्मार्ट वे में अपने गोल की तरफ बढ़ोगे। तो स्टेप नंबर 1, आपके गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए, चाहे वो वेट गेन हो या फिर वेट लॉस या फिर किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में लाइक जैसे कि रनिंग में आपको इम्प्रूवमेंट करना हो, तो पहले आपका गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, अब आपका गोल सेट हो चुका है, अब आपको धीरे धीरे छोटे छोटे गोल सेट करके अपने लिए प्रोग्रेस करना है, जैसे कि वेट लॉस या वेट गेन करना है तो पर वीक मुझे इतना करना है, या फिर रनिंग करना हो तो पर वीक मुझे मेरा रनिंग में इतना इम्प्रूवमेंट लाना है, ऐसे आपको छोटे छोटे गोल सेट करना है। स्टेप नंबर 3, अब आप जैसे धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करोगे वैसे आपको एक डेडलाइन भी सेट करना होगा, लाइक कि मुझे 12 वीक में इतना गेन करना है या इतना वेट कम करना है, या फिर 8-10 वीक में मुझे इतना रनिंग में इम्प्रूवमेंट करना है, और ये डेडलाइन आपके माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, अब आपका गोल सेट हो चुका है और धीरे धीरे आगे कैसे प्रोग्रेस करना है वो भी आप सेट कर चुके हो, अब आगे प्रोग्रेस के लिए जो चीज इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान देना है, लाइक जैसे कि आपके लिए एक सही डाइट प्लान, एक वर्कआउट प्लान, वीकली आपको कितने दिन रेस्ट लेना है, ये सब आपको अपने डेली के लाइफस्टाइल एंड रूटीन के हिसाब से आपको सेट करना है। तो फिर चलिए अब बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में जो कि आपको इस पूरे जर्नी में ऑन ट्रैक रखने में आपको मदद करेगा। टिप्स नंबर 1, आपको हमेशा अपने प्रोग्रेस को डेली के बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे ट्रैक करना है, चाहे वो किसी मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर अपने मोबाइल पे फोटो खींच के आपको रिकॉर्ड करना है। टिप्स नंबर 2, जब आप अपने प्लान में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि लाइक कि मुझे और 2 वीक एक्स्ट्रा लग सकता है इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए, तो आप बिल्कुल 2 वीक्स एक्सटेंड कर सकते हो, लाइक कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्विटिंग ना करें, क्विटिंग करने से तो बेहतर ये है आप 1-2 वीक एक्सटेंड कर दे अपने प्लान को। टिप्स नंबर 3, जब आप धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखोगे तो हमेशा अपने आप को शाबाशी देना जिससे कि आप और भी मोटिवेट फील करोगे। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में जो कि आपको इस जर्नी के दौरान बिल्कुल ही अवॉइड करना है। मिस्टेक नंबर 1, कभी भी अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल मत सेट करना जो कि आपके लिए बहुत ही खराब है। पॉइंट नंबर 2, वर्कआउट और डाइट आपके लिए इस जर्नी में जितना इम्पोर्टेंट है उतना रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा हर दिन ट्राई करना 7-9 आवर ऑफ एडिक्वेट स्लीप लेने के लिए। पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, हमेशा आपको अपने गोल पर ही फोकस रखना है। तो हमेशा अपने गोल को एक रियलिस्टिक वे में सेट करो और उसे एक स्मार्ट वे में अचीव करो, और आपका गोल क्या है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूंगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।